अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर भगाओ एक जागरूकता अभियान है, और इस अभियान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे साथ है वर्ल्ड फेमस डॉक्टर, ऑनको सर्जन डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी। तो डॉक्टर साहब, इस बार मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो कैंसर है वो किन किन कारणों से हो सकता है। जो आपका जो सवाल है कि कैंसर के कारण क्या है, कैंसर सबसे पहले किसी को भी हो सकता है। ये मुझे हो सकता है, डॉक्टर को हो सकता है, ये आपको हो सकता है, आपके परिवार में किसी को हो सकता है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा, गांव नहीं होगा, शहर नहीं होगा, कॉन्टिनेंट नहीं होगा जहां पे कैंसर नहीं होता है। हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि कैंसर सेहतमंद को होता है, जीवित इंसान के लिए होता है, जीवित मनुष्य के लिए होता है, उसके रहन सहन खान पान से होता है, ये हमारे वातावरण से होता है, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उससे होता है। कोई भी कैंसर के साथ पैदा नहीं होता, वो अपने जीवन में अपने लाइफस्टाइल के साथ, अपने रहन सहन के साथ वो अपने आप को कैंसर की तरफ ले जाता है जी। तो जाहिर सी बात है कारण वही होंगे जो मुझ में होंगे। अगर मुझे कैंसर होना है तो 90% ऑफ द टाइम उसका कारण हमें पता होता है। टबैको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। जब से समिता मिश्रा फेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, कैंसर भगाओ का हमेशा से, भले वो टीवी की तरफ हो या न्यूज़ में हो या घर घर जाके, अस्पताल जाके, गलियों में जाके नुक्कड़ नाटक करके दिखाना, तो वो क्या हुआ करता था, हेल्थ मिनिस्ट्री से लेके कोई गांव में बस यही होता था कि भाई तंबाकू तंबाकू तंबाकू। आज वर्ल्ड के मैप पे जब कैंसर की बात आती है, ओरल कैंसर वर्ल्ड में नंबर वन अगर किसी कंट्री में होता है वो होता है भारत में, वो होता है हिंदुस्तान में। 90% वर्ल्ड के कैंसर मरीज आते हैं हिंदुस्तान से, इंडिया से, हमारे गांव से, घर से, गलियों से। और कारण निकलता है क्या? तंबाकू, टबैको। और टबैको एक मात्र कारण नहीं है, लेकिन जितने भी कैंसर शरीर में होते हैं, 100 से अधिक कैंसर शरीर में होते हैं, शरीर के हर हिस्से में कैंसर होता है, और उसका कारण तंबाकू हो सकता है जी। तंबाकू का सेवन, हम सोचते हैं कि भाई मैं खाता नहीं हूं, मैं पीता हूं, मुझे कैंसर कम होगा, मैं तो एक सिगरेट पीता हूं, एक बीड़ी पीता हूं, एक हुक्का लगाता हूं, मैं अपने मित्रों की तरह 100 नहीं करता हूं। हम सोचते हैं कि तंबाकू का सेवन करना एक स्टाइल है, सिंबल ऑफ सक्सेस है, जैसे मूवीज में देखते हैं फिल्म स्टार, विलन, हीरो, क्रिकेटर, एक्ट्रेस, न्यूज़पेपर किससे भरा हुआ है, तंबाकू तंबाकू तंबाकू। तंबाकू में ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, बट तंबाकू एक कारण है कैंसर का। 100 से अधिक कैंसर जो शरीर में हो, तो सारे कैंसर तंबाकू से हो सकते हैं। तंबाकू वो खान पान वाला हो जो आप मुंह में खा रहे हो, या
आप उसको पी रहे हो, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, पता नहीं किस किस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, या उसको सूंघ रहे हो नास की तरह, या उसको चबा रहे हो गुटके की तरह, कोई पान मसाले की तरह। तंबाकू से कैंसर होता है, होता है, होता है। तंबाकू मुख्य कारण है, और जीने के लिए तंबाकू जरूरी नहीं है। अगर 30 करोड़ लोग हमारे देश में तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो 90 करोड़ लोग तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते, वो भी जी रहे हैं, वो भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन वो 30 करोड़ लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको कैंसर हो सकता है। हर 2 शख्स में एक को तंबाकू से कैंसर होगा। जी, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया कि तंबाकू में 700 टॉक्सिन्स होते हैं, 70 कार्सिनोजेनिक होते हैं, उसमें हर वो चीज होती है। रोड का टार लो, या सुसाइड करने वाले का टॉक्सिन लो जो सुसाइडर्स यूज करते हैं, जो साइनाइड कहते हैं हम लोग, या गाड़ियों के पीछे जो धुआं निकलता हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब तंबाकू में है। और तंबाकू जीने के लिए आवश्यक नहीं है। ये तंबाकू को अगर हम अपने जीवन से हटाएंगे तो हम अपने जीवन से 30% कैंसर का रिस्क को हम दूर करेंगे। आप सब लोगों को अभी सुबह सुबह आपको शपथ लेनी है कैंसर भगाओ की तरफ से कि हम अपने जीवन से तंबाकू को छोड़ेंगे, तंबाकू को अपने घर से, जीवन से, गली से, स्कूल से, कॉलेजेस से, थिएटर से, ऑफिसर्स से, किसान खेतियों से, हम इसको निकाल के फेंक देंगे। हम भी नहीं करेंगे, दूसरों को भी करने नहीं देंगे, और सरकार के नियमों का पालन करेंगे। जहां जहां उसका बैन है वहां पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। टोबैको पे हम आगे बहुत सारे लेक्चर्स करेंगे जिसमें पूरा डिटेल तंबाकू के बारे में हम लेंगे, लेकिन आज हम शपथ लेंगे कि हम तंबाकू को अपनी जिंदगी से निकालेंगे और अपनी जिंदगी को 30% कैंसर से मुक्त करेंगे। और जो कारण है, दूसरा कारण है शराब। शराब भी तंबाकू की तरह जरूरी नहीं है। जी, शराब से बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, लिवर का कैंसर, स्टमक कैंसर, इस तरह के कई कैंसर्स शराब से होते हैं। तो शराब को भी हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना है। हमें इंडिविजुअल तौर पे भी और फैमिली के हेड की तौर पे भी, सोसाइटी के लीडर की तौर पे भी, देश के अच्छे नागरिक के तौर पे भी, हमें शराब को अपने ज़िंदगी से निकालना है। अगर तंबाकू और शराब दोनों भाई का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो 4 में से एक को कैंसर जरूर होगा। और हमें चाहिए कि हमें शराब और तंबाकू अपने लिए, अपने अनमोल जीवन के लिए, जो आदमी खो देता है तो दोबारा कभी उसको मिलता नहीं, उस जीवन के लिए अपने बच्चों को अनाथ नहीं करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए तंबाकू और शराब को छोड़ना है। कैंसर भगाओ के एक सोच के लिए जो आप तक ये मैसेज को पहुंचा रहे हैं, उनके लिए आपको तंबाकू और शराब छोड़ना है। ये तो हर कोई जानता है, बट फिर भी ये लत ऐसी होती कि छूटती नहीं। रोज छोड़ो, अगर रोज आप इस्तेमाल कर रहे हो तो, उस दिन तक जब तक आप पूरी तरह से उसको छोड़ ना दें। इसके अलावा बहुत कारण है, एक कारण है खान पान। जी, मैं हो, आप हो, कोई भी हो, बिना खाए, बिना
इंसान तो जी नहीं सकता। खान पान हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बिना पेट्रोल की गाड़ी चलती नहीं है, और जाहिर सी बात है बिना खाए मुझे बोलने की ताकत आएगी नहीं, मैं आपसे या आप चल फिर नहीं पाओगे। खान पान जो है डाइट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर कोई को खाना है। फिर क्या हर खाने से कैंसर होता है? पहले क्यों नहीं कैंसर होता था, आज क्यों हो रहा है? खान पान में क्या बदलाव आया है, इसका विचार हमें करना है। हम देखें पहले हम क्या खाते थे, पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे दादा दादी थे, उनके दौर में और आज में हम तो मेट्रो, पहले गांव में रहते थे, आज मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं। पहले खेत की फसल होती थी, फ्रेश वेजिटेबल्स हमें मिलते थे, फ्रेश फ्रूट्स हमें मिलते थे, और हम उन फ्रूट्स, उन वेजिटेबल्स डाइट, और हम हिंदुस्तानी वेजिटेरियन थे, हमारा जो खाना था वो फ्रेश था, और जो खाना था वो बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हेल्थी डाइट हुआ करता था, जिसमें सारे विटामिन्स सब कुछ हुआ करता था। आज हमारी जो लाइफस्टाइल है वो एक मेट्रो की है, हम एक ही बार सब कुछ लाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, फ्रिज में ठोसते हैं, फिर रोज सुबह दोपहर शाम उसमें से निकालते हैं, गर्म करते हैं और खाते हैं। पहले होता था क्या, फ्रेश बनाते थे, खुद सब्जी लाते थे, खुद उसको धोते थे, खुद पकाते थे, खुद खाते थे। अब क्या कर रहे हैं, लाते हो, फ्रिज में डंप करते हो, फिर उसको निकाल के धीरे धीरे करके रोज थोड़ा 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 हम खाते हैं। पहले वो खाना सुबह से शाम तक खराब होता था, आज का खाना ऐसे कि 10 दिन तक खराब नहीं होता है। क्यों? इसमें केमिकल्स लगे हुए हैं, इसको रेफ्रिजरेट किया गया हुआ है, और इसको अच्छा रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, खूब सारा नमक डाल रहे हैं, खूब सारा केमिकल्स डाल रहे हैं, और आता है ये तो बहुत अच्छा खाना है, इम्पोर्टेड, कहीं बाहर से आया हुआ है, इस देश से आया हुआ है, इस तरह का है। लेकिन इस चीज को अच्छा रखने के लिए साल भर के लिए कितने केमिकल्स मिक्स किए जा रहे हैं, कितने इसमें टॉक्सिन्स भरे जा रहे हैं, इसमें कितना जहर डाला जा रहा है। फर्क होगा नहीं हुआ पहले के और आपके खाने में? अब आपको सोचना है कि मुझे कैसे रहना है, मेट्रोपॉलिटेनियन की तरह या जैसे हम पहले थे, जैसे हम सच्चे थे वैसे रहना है। इससे तो मैसेज क्लियर है कि भाई आपको फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, हेल्थी डाइट खाना है, गर्म करके खाना है, कोई भी खाना ऐसे नहीं खाना है जो इजीली डाइजेस्ट ना हो, जिसका आपको सोर्स पता नहीं है। अफसोस तो इस बात का होता है कि आजकल हमारा जो खाना है जंक फूड। क्या है ये जंक फूड? अगर आप दिल्ली में देखेंगे और गांव में देखेंगे, दिल्ली में लोग होते हैं मोटे 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 मोटे, गांव में होते हेल्थी 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 हेल्थी। क्यों? वहां पे भी खाना है, यहां पे भी खाना है। ऐसा क्या है, यहां पे हम खुद नहीं बनाते, यहां से हम खाना होटल से लाते हैं, कहीं इससे लाते हैं, वहां पे हम खुद बनाते हैं, और जब ये बाहर से आ रहा है हमें पता नहीं इसमें क्या डाला गया है, पिज्जा है इसमें क्या है, जो व्हाइट चीज है वो क्या है, कहां से बनी है, क्या उसका सोर्स है, इसकी हाइजीन कितनी मेंटेन की गई थी, इसको कैसे बना दिया गया है, इसको खाना अच्छा बनाने के लिए पता नहीं इसमें क्या क्या एडिक्टिव्स डाले गए हैं। खाने में अगर कोई इसको मजेदार बनाने के लिए कोई एडिक्टिव्स डालते जैसे होटल्स में डाला जाता है, वो खाना स्टडी की गई है वर्ल्ड वाइड, और देखा गया है कि वो खाना आपको कैंसर कॉज कर सकता है। जो खाना घर में बनता है जिसमें एडिटिव्स नहीं डाले गए हैं वो खाना आपके लिए सही है। खान पान से जो कैंसर होते हैं
पेट का कैंसर, खाने वाले आंत का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, छोटी आंत का कैंसर, कोलन का कैंसर, जो भी कैंसर होते हैं वो क्यों होते हैं? भाई आप अगर फ्रूट्स खाओगे, वेजिटेबल्स खाओगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा और वो निकल जाएगा। और आप वही होटल का जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है वो खाना क्या होगा, पेट में काफ़ी देर तक रहेगा, इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। और वो खाना क्योंकि ज़्यादा समय के लिए इंटेस्टाइन में है और एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो कार्सिनोजन भी काफ़ी समय तक वहाँ पे हैं। स्पेशली आप ले लें रेड मीट, मांस, रेड मांस जिसमें बहुत ज़्यादा फैट, वो क्या होगा, इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। या आप फूड ले लीजिए, जंक फूड्स जिसमें बहुत ज़्यादा वो डाला हुआ, ऑयल, ये वो मसाला, या आप मसालेदार खाना लीजिए, स्पाइसेस, साउथ इंडिया में भी होता है कैंसर, क्यों, जो मिर्ची डाली जाती है, स्पाइसेस डाले जाते हैं, जो नमक डाला जाता है, जो पिकल खाया जाता है ज़्यादा, ये सारे चीज़ों में ये आंत का कैंसर, स्टमक कैंसर हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी, पहले हम दौड़ते, चलते, साइकिल पे स्कूल जाया करते थे, आज हम बाइक पे, ट्रेन में उड़ के एक डेस्टिनेशन को जाते हैं। जो फिजिकल एक्टिविटी होती थी, चलने से, दौड़ने से, साइकिल चलाने से, उससे आपकी बॉडी फिट रहती थी। अब आजकल कार में, ट्रेन में, प्लेन में, मीनिंग टू से जो हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है, जो चलना फिरना जो कम हुआ है, जो दौड़ना कम हुआ है, उससे क्या हुआ है, उससे बॉडी में मोटापा आ गया है। फिजिकल इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, मोटापा, एक्सरसाइज का नहीं करना, कम चलना फिरना, ये भी एक कारण हुआ है आज की डेट में कैंसर का। क्योंकि आदमी चलता है, फिरता है, वॉक करता है तो उसके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, डाइजेशन होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है और उससे वो कैंसर से लड़ता है। जैसे हम सोचते हैं कि भाई परिवार में मुझे कैंसर हो गया, मेरे बच्चे को कैंसर होगा, मुझे होगा तो मेरी बेटी को कैंसर होगा, बेटी की बेटी को कैंसर होगा, ये हमारी सोच कुछ हद तक सही है। 5% जो कैंसर होते हैं वो इस तरह से हो सकता है, लेकिन 95% जो कैंसर होते हैं वो इसके वजह से नहीं होते हैं। इसमें कारण फैमिली या जेनेटिक्स नहीं होता है। जेनेटिक्स से 5% कॉज है, और वो भी ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, कोलन कैंसर, जो कैंसर तंबाकू से होता है जैसे लंग कैंसर हो या ओरल कैंसर हो, ये कैंसर फैमिलियल नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे कोई अगर स्मोक नहीं करता है और ड्रिंक भी नहीं लेता है, लेकिन उसके बाद भी देखा गया है अच्छी हेल्दी डाइट ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उस रूटीन को फॉलो करने के बाद भी कैंसर से वो ग्रसित है, तो ये आपने जैसे बताया कि एक मुख्य जो कारण होता है वो तंबाकू का सेवन है, ड्रिंक एक कॉज हो सकता है, एक हेल्दी जो खाना है, फूड डाइट जिसे कहते हैं हेल्दी डाइट, अगर वो भी वो एक इंसान फॉलो कर रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसको पता चलता है कि वो कैंसर से ग्रसित है, तो क्या वो मुख्य कारण हो सकता है कि वो कैंसर का मरीज बन गया और उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? आपका जो सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है, और ये सवाल की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इंडिया में भी 90 करोड़ लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, अधिक से अधिक लोग शराब भी नहीं पीते हैं, और बहुत सारे लोग मांस भी नहीं खाते हैं, या डाइट भी उनका बहुत अच्छा होता है, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिट रहते हैं,
फिर भी उन्हें कैंसर हो जाता है। ये कैसे? भाई एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है। एक तो हम सब मानते हैं कि भाई ऊपर भगवान है ना, लेकिन जो कैंसर के कारण हैं, सिर्फ तंबाकू, सिर्फ शराब, सिर्फ आपका खान पान, सिर्फ आपका रहन सहन नहीं। अब जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन है, अब बच्चे को कैंसर हो गया, बूढ़े को कैंसर हो गया, कोई बहुत ही साधु संत आदमी को कैंसर हो गया, कोई सोच सकता है कि पॉल्यूशन से कैंसर हो सकता है? उसी तरह अमेरिका में भी ओरल कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है, वो तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, उनको हो जाता है। लेकिन हमारे देश में तंबाकू से मुंह का कैंसर हो रहा है, और वहां पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ओरल सेक्स के थ्रू वो होता है। 10% ऑफ द ओरल कैंसर वहां पे हो रहा है, 90% ऑफ द ओरल कैंसर यहां पे हो रहा है। कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं, मानव हैं, जिनके अंदर हैबिट तो पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करना कि भाई ये इन्फेक्शन से हुआ है, ये पॉल्यूशन से हुआ है, ये डाइट से हुआ है, ये तंबाकू से हुआ है, ये रहन सहन से हुआ है, या ये केमिकल पोल्यूशन से हुआ है, क्या ये जेनेटिक्स हुआ है, क्या ये भगवान की देन है। बट ऐसा नहीं कि हर कोई, जिसे जैसे 90 करोड़ लोग हैं उनको हो जाएगा, या ऐसा नहीं है। ये होता है आपके बॉडी की इम्यूनिटी से भी। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप हेल्थी हैं, आपके अंदर ये हैबिट्स नहीं है, फिर भी कई बार एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये ना माने, बट ये कारण है, तंबाकू, शराब, रहन सहन, डाइट, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बारे में हमने नहीं बोला, तो हो सकता है उनके अंदर इन्फेक्शन से हो रहा हो, और इन्फेक्शन जो होता है स्वच्छता नहीं होने से होता है। इन्फेक्शन किससे होता है? जैसे लिवर कैंसर एक शराब से होता है, दूसरा हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है, HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है। आदमी अगर मेरा जो खाना वो ठीक से गर्म नहीं किया हुआ हो, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है। स्टमक कैंसर जो होता है उसका एक कारण है स्टमक इन्फेक्शन, वो होता है हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोराय, जो स्टमक में पाया जाता है। पहले उससे अल्सर होता है, फिर कुछ दिनों के बाद वो अल्सर कैंसर का शक्ल ले जाता है। और अगर आप स्टमक एंडोस्कोपी करोगे, बायोप्सी करोगे, तो ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, और ये ठीक भी जल्दी हो जाता है। ये स्टमक का इन्फेक्शन हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोराय, इसका आप इन्फेक्शन को इलाज नहीं करोगे, ट्रीट नहीं करोगे, तो ये इन्फेक्शन से कैंसर हो जाता है। हेपेटाइटिस देखिए, एक खान पान से हो रहा है, अल्कोहल से हो रहा है, दूसरा इन्फेक्शन से हो रहा है। जो इन्फेक्शन सर्विक्स कैंसर इंडिया में पिछले साल तक नंबर 1 कैंसर था फीमेल्स में, इंडिया में भी था, अफ्रीका में भी था, वर्ल्ड में भी था, और उसका कारण क्या है? इन्फेक्शन बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस इन्फेक्शन, जिसे सीए सर्विक्स, और लाखों के लोग मर रहे हैं उससे वर्ल्ड में, इंडिया में, हर जगह। लेकिन अब क्योंकि इंडिया की जो इन्फेक्शन वो कम हो गया, तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे आ गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन पीछे चला गया, सर्विक्स कैंसर का इन्फेक्शन पीछे चला गया। कहने का मतलब ये है एक मुख्य कारण इन्फेक्शन भी है जी। और इन्फेक्शन से कैसे इंसान बच सकता है? इन्फेक्शन को अवॉइड करो। सर्विक्स का इन्फेक्शन कैसे होता है, लिवर का इन्फेक्शन कैसे होता है, स्टमक कैंसर का इन्फेक्शन कैसे होता है? खान पान अच्छी तरह से खाओ, सही खाओ, साफ सुथरा खाओ। इसी तरह से अगर हम समराइज करें, टबैको, अल्कोहल, डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, इन्फेक्शंस, पॉल्यूशन, जेनेटिक्स,
इस तरह के बहुत सारे कारण हैं, जो मेन कारण है वो आज के इसमें हमने आपसे डिस्कस किया है, ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को, जो हमारा मिशन है कैंसर भगाओ का, समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, प्रफुल्ल जी का जो इसके फाउंडर हैं, हम सबका जो मिशन है, विजन है, वो है कैंसर भगाओ, स्वस्थ भारत बनाओ। जय हिंद।